Hey guys, what's up? Welcome back to Basilia. तो आज हम बात करेंगे कैसे हम फिल्म्स की कॉर्ड बना सकते हैं, कैसे हम जब नॉर्मल कॉर्ड बनाते हैं वो वैसी साउंड नहीं करती जैसे मूवीज के अंदर, वो इतनी ज्यादा सस्पेंसफुल या फिर इतनी तगड़ी लगती है वो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पियानो रोल खोल लिया है और इसके अंदर हमने एक पियानो की प्लगइन लोड कर दिया है। तो अब जल्दी से हम कहीं पे भी नोट लगा सकते हैं, जैसे लेट्स से हमें यहाँ पे नोट लगाना है। तो अब क्या करेंगे, हमें मेजर और माइनर कॉर्ड बनानी है। और अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इजीली बना सकते हो आप भी। तो आपको क्या करना है, अपने एक रूट नोट लगाए, इसको हम रूट नोट बोलते हैं, और इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 4 और 7 लगाना है। तो 1 हमारा लग गया 1 2 3 4, तो हमने ये लगाया 4 सेमीटोन ऊपर, 5 6 7 और 7 सेमीटोन ऊपर। तो ये हमारी बन गई एक मेजर कॉर्ड। और अब हम बनाएंगे माइनर कॉर्ड। तो माइनर कॉर्ड कैसे बनती है, अगेन हम लगाएंगे एक रूट नोट और काउंट करेंगे 1 2 3 और फिर हम करेंगे 4 5 6 7। तो ये हमारी है माइनर कॉर्ड। तो जब भी हम मेजर कॉर्ड्स को डिनोट करते हैं तो हम बड़ा एम या फिर कैपिटल एम यूज करते हैं, और जब भी हम माइनर कॉर्ड्स को डिनोट करते हैं तो हम स्मॉल एम छोटा एम यूज करते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो अब ये बहुत इजी होने वाला है आगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसके बाद हमें एक और चीज समझनी है। जब हम उस हैक को सीखेंगे तो उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, 8 9 5 4 इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 8 स्टेप ऊपर जाना है मेजर से माइनर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इसको बोलेंगे M, जो कि हमारा कैपिटल M, 8 स्टेप और फिर स्मॉल M, क्योंकि ये माइनर कॉर्ड थी। तो अगर आपको ये भी चीज अब समझ आ गई तो बहुत इजी है, और जल्दी से बनाते हैं कॉर्ड मस्सी। अब आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी ये कुछ अलग से ही नाम, बट ये बहुत इजी है। तो हमने आपको बताया था कि M जो है, जो कैपिटल M है वो है मेजर कॉर्ड्स के लिए, और जो स्मॉल M है वो है माइनर कॉर्ड्स के लिए, और जो उसके बीच में 8 5 और ये सारी चीज आपको दिख रही है, ये बेसिकली है कि मेजर से माइनर के बीच में कितना डिस्टेंस है। या फिर आप कहीं जगह देखोगे वहां लिखा होगा माइनर से माइनर के बीच में ही डिस्टेंस। तो इस चीज को आप जल्दी से समझते हैं किस तरीके से आप बना सकते हो। तो जैसे आपके सामने अभी दिख रहा होगा M4M, तो M है हमारा मेजर कॉर्ड और फिर है 4 और फिर है M, जो कि है माइनर। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक मेजर कॉर्ड है, एक माइनर कॉर्ड है, बट जो डिस्टेंस है वो 4 का है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो सैडनेस वाली कॉर्ड है इसको बना के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, मेजर एंड माइनर वाली को मूव करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारी मेजर कॉर्ड 4 का डिस्टेंस एंड माइनर स्मॉल M वाली कॉर्ड। तो अब इसको सुन के देखते हैं, मतलब काफी ज्यादा सैड और खोए हुए से लग रहा है, ऐसा लग रहा है काफी दुखी वाली कॉर्ड है। और अगर आप देखोगे उसी के ऊपर लिखा है फैंटास्टिकल, जो कि है M8M, और दोनों M अगर आप देखोगे मेजर कॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सा इधर मूव, और हम ले लेते हैं अगेन अपनी एक मेजर कॉर्ड, और अब लिखा है M8M। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक बार इसको सुनते हैं, मतलब काफी ज्यादा एकदम खोई हुई सी स्पेस से जैसी फील आ रही है। मतलब काफी मेरे को तो वैसा लग रहा है जैसे जुमांजी टाइप की मूवीज और इन सब में होता है ना, वैसा कुछ सा लग रहा है, जैसे एकदम से ही कुछ क्लिप हो गया हो। अब आप देखोगे इधर आपको और भी नंबर दिख रहे होंगे, जैसे M11M, तो माइनर से 11 कॉर्ड ऊपर जाएंगे हम मेजर में। जैसे कि ये हमारी थी माइनर कॉर्ड, और अब हम अपनी मेजर कॉर्ड को ऊपर ले जाएंगे 11 स्टेप। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और इसको सुन के देखते हैं। और ये जो पैटर्न है ये फिल्म स्कोर में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और स्पेशली अगर आपने बैटमैन डार्क नाइट देखी है तो उसमें ये यूज हुआ था, और ये हैंस जिमर ने यूज करा था, जो कि बहुत ही तगड़ा फिल्म स्कोर बनाते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, और आप अपनी कॉर्ड्स को यूनिक बना सकते हो। तो आपके सामने फॉर्मूले आ रहे होंगे, अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ मस्त बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं आउटर स्पेस जैसा कुछ बना के देखते हैं। और अब जैसे उत्कर्ष ने बोला था हम आउटर स्पेस यूज करेंगे, तो आप देख सकते हो उसमें M6M यूज हुआ, बट M पे आपको ध्यान देना है, M है कैपिटल में। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं दूर अभी, और हम यूज करते हैं M6M। तो M6M के लिए हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, और इसको 6 सेमीटोन अप या डाउन आप कहीं भी भेज सकते हो। तो हम इसको 6 सेमीटोन अप भेजते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको सुन के देखते हैं एक बारी। तो ये काफी अच्छी, मतलब काफी अलग लग रही है। और इसके रूट नोट्स को एक बार कॉपी करके नीचे भेजते हैं ऑक्टेव्स में, ताकि और डेप्थ ऐड हो जाए।
काफी सही लगा। और ये आउटर स्पेस के बाद हम इसमें कुछ वंडर वाला ट्राई कर सकते हैं जो कि है M5M। M जो है वो स्मॉल M है तो यानी माइनर। और अब हम इसके बाद ट्राई कर सकते हैं अपनी मेजर कॉर्ड लेंगे और इसको 5 सेमीटोन ऊपर भेज देंगे यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो यहाँ भेज देंगे। और इसके रूट नोट को भी एक बार कॉपी करके देखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। काफी सही लग रहा है, तो ये काफी सही लग रहा है। इसको एक बार क्लोज लाते हैं यहाँ पे ऐसे। तो बेसिकली हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं जैसे। हाँ। काफी सही लग रहा है, काफी सही लग रहा है। और ऐसा नहीं कि हर कॉम्बिनेशन जाएगा कुछ। अगर हम और ट्राई करते हैं, हमने अभी आउटर स्पेस करा था, इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे हमने अगर ईविल वाला करा है तो ड्रामेटिक वाला ट्राई कर सकते हैं या फिर मिस्ट्री वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिस्ट्री था 2 सेमीटोन आप, तो इसको हम कर देते हैं 1 एंड 2। तो इसको सुन के देखते हैं, बट ये माइनर था तो इसको माइनर करना पड़ेगा और इसको मेजर। ठीक है, भी लास्ट कॉर्ड में हम कोई और फॉर्मूला लगा पाए। तो मतलब ये काफी सही ट्रिक है, इसमें आप यूज कर सकते हो इन कॉम्बिनेशन को और डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड पैटर्न बना सकते हो। और बहुत डिफरेंट कॉर्ड्स बनने वाले जो आप रेगुलरली डेली लाइफ में बैठ के आप मेजर माइनर स्केल्स को यूज करके कॉर्ड्स बनाते हो। ऑल राइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और समझ आएगा कैसे आप फिल्म के स्कोर बना सकते हो। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे इस वीडियो की कैसे हम इजी तरीके से कॉर्ड समझा सकते हैं आप लोगों को, तो हमें स्कॉट मर्फी का चैनल दिखा था जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा था। तो आप जाके उनकी वीडियो को भी देख सकते हो और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या करना होता है, और नीचे एक लाल कलर का बटन होता है और जैसे ऐसी कॉर्ड्स बजती है ना तो उस पर सब्सक्राइब बटन ठुक जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब बटन ठुक दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो और बताओ कैसी लगी वीडियो। और इसी के साथ एक और चीज करनी होती है, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी basically.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।